वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल युवान एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम मैथ का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाता है, ग्राफ विधि से हल करें। ये क्वेश्चन 2021-2020 यानी रेगुलर पूछा रहा है, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 हर एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इस क्वेश्चन को बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन तो फिक्स है कि इस टाइप का एक क्वेश्चन रहेगा, बस यहाँ अंक चेंज करेगा और बोलेगा ग्राफीय विधि से हल करें। तो दो समीकरण दिया रहेगा, सबसे पहले यहाँ लिखना है हल सॉल्यूशन। समीकरण क्या सब दिया हुआ, एक्स प्लस टू वाई बराबर पहला समीकरण दिया हुआ 6, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस 4y बराबर 12 दिया हुआ है, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 को सबसे पहले हल करके x का वैल्यू निकाल लेंगे या y का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या दिया हुआ, x प्लस 2y बराबर 6 दिया हुआ है, तो 2 x को साइड भेजते हैं तो या 2y बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस एक्स, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस एक्स बटे 2। ये किसका वैल्यू निकल गया हमको, y का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ x का कुछ वैल्यू रख के हम y का मान निकालेंगे, 3 वैल्यू कम से कम रख के y का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे जब x बराबर कितना पुट करेंगे, 0 पुट करते हैं, x बराबर 0 यहाँ पुट करने के बाद देखते हैं y बराबर क्या आता है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 0 बट्टे 2, तो कितना हो गया, 6 बट्टे 2 बराबर 3 आ गया, ठीक है। फिर एक वैल्यू ले लेंगे जब x बराबर 2 पुट करेंगे, ठीक है, तो अब देखते हैं y बराबर क्या आता है। तो y बराबर हो जाएगा आपको, यहाँ x की जगह क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, तो 6 माइनस 2 बट्टे 2, तो क्या आया, 6 माइनस 2 किया कितना हो गया, 4 बट्टे 2 बराबर 2। तो जब x का वैल्यू 2 रखे तो y का हमको कितना आ गया, 2 आ गया। एक और वैल्यू रख लेंगे जब x बराबर 4, ठीक है, तो y बराबर, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4 बट्टे 2 बराबर 2 बट्टे 2, काट के कितना आ गया, 1। अब यहाँ एक तालिका बना लेंगे, ठीक है, यहाँ तालिका बना लेंगे, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y, ऊपर में समीकरण लिख देंगे। तो समीकरण किसका ये लिख रहे हैं, x प्लस 2y बराबर 6 का है ये तालिका। तो x का वैल्यू देखिए, यहाँ जब 0 हम रखे, x का वैल्यू 0 रखे तो y कितना आया, 3 आया। तो यहाँ x का 0 देंगे, यहाँ 3 देंगे, उसके बाद फिर x का वैल्यू यहाँ 2 रखे तो y का भी वैल्यू कितना आया, 2, तो यहाँ 2, यहाँ भी 2। उसके बाद x बराबर यहाँ कितना रखे, 4 रखे, तो यहाँ x बराबर 4 रखेंगे और y कितना निकला, 1 निकला, तो y बराबर यहाँ 1 लिख देंगे, ठीक है। तो ये x प्लस 2y बराबर 6 का हो गया तालिका। अब इसी तरह दूसरा समीकरण जो दिया हुआ है 2x माइनस 4y बराबर 12, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। समीकरण 1 को सॉल्व करके तो हम निकाल लिए, अब 2 को सॉल्व करेंगे। तो दूसरा यहाँ लिखेंगे समीकरण, समीकरण 2 से दूसरा समीकरण हमको क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 4y बराबर कितना दिया हुआ है, 12 माइनस 4y बराबर 2 को उस साइड भेजेंगे, इस साइड प्लस में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो बराबर 12 माइनस 2x, 12 माइनस 2x। अब यहाँ माइनस 4y है तो इसको हटाएंगे, या y बराबर क्या हो जाएगा, 12 माइनस 2x बट्टे माइनस 4, ठीक है। अब माइनस को हटा देंगे इसीलिए y बराबर, तो ये पलट जाएगा, 2x माइनस 12 बट्टे 4 आ जाएगा। जिस तरह इसमें क्या कहते हैं, x का वैल्यू मान लिए कुछ और y का निकालिए, उसी तरह इसमें भी x का वैल्यू कुछ पुट करके y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे जब x बराबर हम कितना पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, ठीक है, तो देखते हैं y का वैल्यू क्या आता। तो y बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 माइनस 12 बट्टे 4, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4 में से 12 गया, कितना बचेगा, माइनस 8 बटे 4 बटे बचेगा, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। तो जब हम x का वैल्यू 2 रखें तो y का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 2 आ गया। 2 और रखेंगे, जब x बराबर कितना पुट कर दें, इस बार 0 पुट कर देते, ठीक है, जो भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं लेकिन कट जाना चाहिए, ठीक है, अगर फ्रैक्शन में आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ग्राफ पे पुट करने में। तो x बराबर 0 पुट किया तो यहाँ 2 गुना 0 रखेंगे, ठीक है, x की जगह पे, तो y बराबर, इसीलिए y बराबर हो जाएगा 2 गुना 0 माइनस 12 बट्टे कितना, 4, तो 2 गुना 0 0, तो कितना बच गया, माइनस 12 बट्टे 4, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह जब x बराबर एक और वैल्यू रख लेंगे, तो x बराबर रख लेते हैं 4, तो इसीलिए y बराबर हो जाएगा 2 गुना 4, यहाँ
टू एक्स है तो x की जगह कितना रखे, चार रखे, तो दो गुना चार माइनस बारह बटे चार, चार दूनी आठ में से माइनस बारह गया, कितना बचा माइनस चार, तो माइनस चार बटे चार, इसको काटेंगे तो माइनस वन आएगा। तो इसका भी तालिका बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तालिका बना लेंगे, यहाँ रखेंगे x, यहाँ रखेंगे y। तो यहाँ देखिए x का वैल्यू सबसे पहले हम क्या रखे, यहाँ पे दो रखे, तो y का कितना आया माइनस टू, तो यहाँ रखेंगे दो, यहाँ माइनस टू, माइनस टू आ गया। उसके बाद x का वैल्यू कितना रखे, यहाँ जीरो रखे, तो y का कितना आया माइनस तीन आया, तो यहाँ रखेंगे जीरो, यहाँ माइनस तीन। उसके बाद यहाँ x का वैल्यू कितना रखे, चार रखे, तो y का कितना आया माइनस वन आया, तो यहाँ चार, यहाँ माइनस वन। यहाँ ऊपर में समीकरण लिख देंगे, समीकरण क्या था मेरा टू, यहाँ पे देखिए 2x माइनस 4y बराबर 12, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ रेड से लिख देते जिससे आपको पता चले 2x माइनस 4y बराबर आपको 12, आपको रेड पेन से नहीं लिखना, ये आपको कलम से बनाना है, और इसको जो ग्राफ पेपर पे आप डिनोट कीजिएगा उसको पेंसिल से बनाइएगा, नहीं तो एक भी नंबर नहीं मिलने वाला अगर आप कलम से बनाइएगा। चलिए अब इसको ग्राफ पेपर पर निरूपित करते हैं। ग्राफ पेपर पर निरूपित करने से पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम डिनोट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम 10 छोटा वर्ग बराबर एक इकाई माने, तो यहाँ स्केल लिखेंगे ऊपर में, यहाँ पे स्केल लिख देंगे, स्केल 10 छोटा वर्ग बराबर एक इकाई, ठीक है, इकाई ये लिख देना, क्योंकि हम 10 छोटा वर्ग बराबर एक इकाई माने हैं। तो अब देखिए यहाँ पे शुरू में x का वैल्यू जो निकाले थे, यहाँ x का वैल्यू कितना रखे थे, जीरो रखे थे, तो y का कितना आया तीन आया। तो अब खोजेंगे x कोऑर्डिनेट जीरो, तो x कोऑर्डिनेट यहाँ जीरो हो जाएगा, ये कितना है जीरो है, ठीक है, और y का वैल्यू कितना था तीन था, y का कोऑर्डिनेट यहाँ देखिए तीन है, तो तीन y यहाँ आ जाएगा, तो एक हो जाएगा ये पॉइंट, ये कितना हो जाएगा आपको जीरो कोमा तीन, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमको देखना है, तो x बराबर हम क्या निकाले दो निकाले, और y बराबर कितना निकला दो निकला। तो अब देखेंगे x कोऑर्डिनेट कहाँ दो है, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट दो है, और y कोऑर्डिनेट दो कहाँ है, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ दो है तो इसके सामने यहाँ पर दो हो जाएगा, y भी यहाँ पे दो होगा और x भी दो, तो इसको इस पॉइंट को दे देंगे दो कोमा दो, यानी x कोऑर्डिनेट भी दो है, y कोऑर्डिनेट भी दो है। तीसरा वैल्यू जो हम निकाले हैं, तो वहाँ x कोऑर्डिनेट कितना निकला चार निकला, और y कोऑर्डिनेट कितना निकला वन निकला। तो अब खोजेंगे x कोऑर्डिनेट यहाँ पे चार आ जाएगा, और y कोऑर्डिनेट वन है, तो चार वन, यानी x का चार कोऑर्डिनेट और y का वन कोऑर्डिनेट, ये हो गया। अब तीनों पॉइंट को डिनोट कर दिए हैं, अब तीनों पॉइंट को हम स्केल से मिला देंगे। ये सब जितना भी करना है आपको पेंसिल से करना है, कलम से नहीं करना है, हमको अच्छे से दिखाना था इसलिए हम क्या किए कलम से कर दिए हैं, ठीक है। अब इसको जब मिलाइएगा तीनों पॉइंट को, हाँ तीनों पॉइंट को मिला दीजिएगा, ठीक है, ये तीनों पॉइंट को मिला दिए, और यहाँ पे लिख देंगे समीकरण किसका है, समीकरण कौन सा हो गया x प्लस टू वाई बराबर सिक्स हो जाए, x प्लस टू वाई बराबर सिक्स, तो इस पर भी लिख देना x प्लस टू वाई बराबर सिक्स का ये ग्राफ हुआ, ठीक है। अब दूसरे समीकरण का ग्राफ खींचेंगे, जहाँ पे हम x का वैल्यू कितना निकाले दो निकाले, और y का वैल्यू कितना निकला था माइनस दो निकला था, तो अब x बराबर दो यहाँ और y बराबर माइनस दो, तो यहाँ आ जाएगा ये कितना हो जाएगा आपको दो कोमा माइनस दो, ठीक है। उसके बाद दूसरा कोऑर्डिनेट कितना है, दूसरा है जीरो और माइनस तीन, दूसरा कितना निकला जीरो और माइनस तीन, तो एक्स का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा जीरो और वाई का माइनस तीन, तो यहाँ पे आ जाएगा ये कितना हो जाएगा आपको जीरो कोमा माइनस तीन, ठीक है। उसके बाद तीसरा कोऑर्डिनेट जो निकाले एक्स बराबर फोर निकाले, और वाई का वैल्यू कितना माइनस वन निकाले, ठीक है, तो एक्स बराबर फोर यहाँ, एक्स बराबर फोर यहाँ आ जाएगा, और वाई का माइनस वन, तो ये माइनस वन, तो क्या हो जाएगा फोर कोमा माइनस वन, ये कोऑर्डिनेट। अब इसको भी मिला दीजिए, ठीक है, तो स्केल रख के तीनों को मिला देना पॉइंट को, तो ये तीनों पॉइंट को हम मिला दिए, और ये जिस समीकरण का क्या कहते हैं ग्राफ है उसका लिख देंगे। तो ये किस समीकरण का है, 2x माइनस 4y बराबर कितना 12 का ये ग्राफ है, तो ये इस ग्राफ पे उसका समीकरण लिख दिए। अब जिस बिंदु पे ये दोनों इंटरसेक्ट किया यानी एक दूसरे को काटा है, वही इस दोनों का हल हो जाएगा। तो ये कहाँ काटा, x का कोऑर्डिनेट यहाँ कितना 6 है, और इस पर कितना y का कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया 6,0, तो यही हल हो गया। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, क्योंकि x का कोऑर्डिनेट कितना है 6 है, और y का कोऑर्डिनेट 0 है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ लिख देंगे। इसीलिए हल बराबर x बराबर कितना हो जाएगा 6 और y बराबर कितना हो जाएगा 0, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है।
इसी तरह एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे तो आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद।